धड़क 2 से कटा जानवी कपूर का पत्ता। 900 करोड़ की फिल्म देने वाली इस एक्ट्रेस की होगी एंट्री। साल 2018 में जानवी कपूर और ईशान खट्टर ने धड़क से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के जरिए करण जौहर ने दोनों स्टार किड्स को लॉन्च किया था। जानवी की पहली फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब इस फिल्म का सिक्वल बनने जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो मेकर्स ने धड़क के सिक्वल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि अब करण जौहर से इस फिल्म को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने इन खबरों से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बार फिर तेजी से धड़क के सिक्वल की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, फिल्म को लेकर नई अपडेट भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट 6 सेकंड का टीजर वीडियो तैयार कर लिया गया है। इसके जरिए फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। फिल्म के सिक्वल का एक बड़ा अपडेट ये भी है कि दूसरे पार्ट में जानवी कपूर और ईशान खट्टर नजर आएंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह से करण जौहर ने इस फिल्म के लिए एक फ्रेश पेयर चुना था, उसी तरह से धड़क 2 में भी नई जोड़ी नजर आएंगी। रिपोर्ट में सिक्वल में कास्ट होने वाले सितारों का नाम तक का खुलासा कर दिया गया है। खबरों की माने तो करण जौहर इस फिल्म के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी को एक साथ लेकर आने वाले हैं। रणवीर कपूर की एनिमल के बाद से तृप्ति डिमरी लगातार डायरेक्टर की पसंद बनी हुई है। इस 900 करोड़ की फिल्म ने तृप्ति की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ा दी है। पिक्चर की ब्लॉकबस्टर होते ही एक्ट्रेस की झोली में कई फिल्मों की ऑफर आ गिरे हैं। वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी को भी एक अच्छी फिल्म की तलाश है। इससे पहले वो गहराइया, खो गए हम कहां और फोन भूत जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।